कॉलेज स्टूडेंट्स, आई एम मधु श्रीवास्तव. आई टीच यू कंप्यूटर. डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट चैप्टर 7 इज मोर ऑन इंटरनेट. इन द फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज यूज ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन, URL, इंट्रोडक्शन ऑफ URL, ISP. And now today's we will discuss about basic requirements for an internet connection. Today we will discuss about basic requirements for an internet connection. यानी आपको internet connection के लिए क्या क्या basic requirements होनी चाहिए. First, a computer system. Second, telephone line, Wi-Fi or cable line. A modem or a network card, internet service provider and ISP. हमको ये फोर चीजें में है रिक्वायर्स ऐसी है जो जरूरी है होना, विदाउट इनके हम इंटरनेट कनेक्शन नहीं ले सकते हैं. हमें इंटरनेट चलाने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम का होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट क्या है, कह रहा है टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट. हमें कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कुछ नीड्स होती हैं. वो क्या क्या है, फर्स्ट है ए कंप्यूटर सिस्टम, ए कंप्यूटर विथ ए गुड सीपीयू. हमें जो मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में मेन फोर पार्ट्स जरूरी होते हैं, विदाउट उसके हम वर्क नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर विद ए गुड सीपीयू स्पीड इज द प्राइम रिक्वायरमेंट्स टू एक्सेस द इंटरनेट. हमें जो कंप्यूटर सिस्टम का जो सीपीयू है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, और उसका जो सीपीयू की जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. नाउ दिस कैन बी ए नॉर्मल डेस्कटॉप और ए लैपटॉप कंप्यूटर, या तो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर का या लैपटॉप कंप्यूटर का, जो भी हो वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए. उसकी रैम वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट है ए टेलीफोन, वाईफाई या केबल. अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है, मेरी सीपीयू में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फिर हमें टेलीफोन लाइन की आवश्यकता पड़ती है. अब वो टेलीफोन लाइन हमें किस लिए आवश्यकता पड़ती है, हमें नेटवर्किंग के लिए आवश्यकता पड़ती है. द मेन कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन कंप्यूटर इज द टेलीफोन. जो मेरा मेन कम्युनिकेशन होता है उसका मीडियम क्या होता है, कंप्यूटर का मीडियम क्या होता है, टेलीफोन लाइन होती है. यानी कंप्यूटर के बीच, कंप्यूटर और यूजर के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका जो मीडियम होता है वो टेलीफोन लाइन होती है या फिर वाईफाई होता है. द नॉर्मल टेलीफोन आर केबल कनेक्शन कैन बी यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है तभी यूजर एक दूसरे से बातचीत कर सकता है या फिर वो भी कोई भी डाटा सर्च कर सकता है. नेक्स्ट क्या रिक्वायर्ड होती है, ए मॉडम आर ए नेटवर्क कार्ड. एक नेटवर्क कार्ड जो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है मॉडम की तरह से, वो होना जरूरी होता है, या फिर एक्सटर्नल मॉडम. इंटरनल मॉडम भी लगा हुआ होता है और एक्सटर्नल मॉडम भी होता है. एक्सटर्नल मॉडम जो मुझे दिखाई देता है, इंटरनल मॉडम मुझे उसके अंदर होता है सीपीयू के, वो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन रैम की तरह वो भी होता है, जिसे हम नेटवर्क कार्ड बोलते हैं. ए मॉडम इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग. ये मॉडम का वर्क क्या होता है, ये जो भी मेरे डाटा होते हैं, डाटा को ये डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल और फिर एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. तो ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल सो दैट कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर टेलीफोन लाइन आर केबल लाइन. ये क्या, ये टेलीफोन लाइन या केबल लाइन से वर्क करता है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर का डाटा होता है वो डिजिटल होता है और टेलीफोन लाइन डिजिटल को नहीं समझता है, वो एनालॉग को अंडरस्टैंड करता है. तो इसलिए वो मॉडल क्या करता है कि उसे एनालॉग में कन्वर्ट करता है, फिर टेलीफोन लाइन से वो
केबल प्लेस पे ट्रांसफर्ड होते हैं केबल में या जैसे भी, फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ से फिर वापस जो भी डाटा रिसीव्स होता है तो कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए, फिर वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इस टर्म को हम मॉडर्न के इस टर्म को हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर, यानी डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग को हम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP। ओके क्लियर। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर ISP इज ए कंपनी। ये क्या है? ISP एक कंपनी है आर बिजनेस है जो कि प्रोवाइड्स करती है क्या एक्सेस, हमें डाटा लेने के लिए, यूजर को डाटा लेने के लिए ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड रिलेटेड सर्विस जो आप इंटरनेट की सर्विस लेना चाहती हैं वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करती है। इसके बदले में आप क्या करती हैं कि जो भी उसकी मनी होती है, जो भी उसका पेमेंट होता है, आप उसको पेमेंट पेड करते हैं। ओके क्लियर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करती है? आपको यूज करने के लिए कैसे आप डाटा यूज करेंगे उसके लिए वह आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, और आप जो सर्विस लेती हैं रिसीव करती हैं उसके बदले में आप उसे पेमेंट करते हैं जो उसका एक व्यू चार्ज होता है। ओके नेक्स्ट, अभी हमने बताया था कि जब भी आप कोई चीज ओपन करते हैं, कोई भी साइट ओपन करते हैं, तो साइट ओपन करने से पहले हमें www क्लियर करना पड़ता है। www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड मीन्स पूरे विश्व में, वाइड मीन्स फैला हुआ, और वेब मीन्स लिंक, एक लिंक से वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है। तो इसके डेवलपर कौन है? इसको किसने डेवलप किया? www को किसने डेवलप किया है? टीम बर्नर्स ली। टीम बर्नर्स ली डेवलप द वर्ल्ड द टीम बर्नर्स ली डेवलप द www in 1819, यानी टीम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में डेवलप किया था। क्लियर। www को किसने डेवलप किया था? टीम बर्नर्स ली ने 1989 में डेवलप किया था। नेक्स्ट टॉपिक मेरी है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम कैसे ओपन करते हैं और कैसे हम कोई डाटा सर्च कर पाते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये है मेरा मिनिमाइज बटन,
मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन जो हर विंडो में होता है। फिर यह बुकमार्क ये होता है जो कि बुकमार्क दिस पेज, जो भी पेज करता है उसमें से ये बुकमार्क मेरा अवेलेबल होता है। ये थ्री डॉट जो बना है ये कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम, ये गूगल क्रोम को कस्टमाइज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए होता है, जहाँ पे बहुत सारे पेज दिखाई देते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले बैक बटन का यूज क्या होता है। सपोज यू हैव ओपन डिफरेंट पेज, आप बहुत ज्यादा पेज ओपन किए हैं इन द सेम विंडो, एक ही तरह की विंडो बहुत ज्यादा ओपन किए हैं, द बैक बटन इज यूज टू गो बैक फ्रॉम द करंट पेज। आप पहले जिससे सपोज आपने ढेर सारा ओपन कर लिया, अब आपको क्या करना है कि फ्रंट पेज पे जाना है, तो आप क्या करेंगे बैक बटन, जैसे ही आप बैक बटन पे क्लिक करते जाएंगे इस तरह से आप चार पांच मतलब पेज ओपन किए हैं तो फर्स्ट पेज पे बैक करते करते आप चले जाएंगे, यानी फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे। फॉरवर्ड इट इज यूज टू गो फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू बैक, ये अपोजिट का बैक होता है। यदि आपको फ्रंट पेज से फिर उसी पांचवे नंबर के पेज पे जाना है तो फॉरवर्ड करते करते आप वहां पे पहुंच जाएंगे। रिफ्रेश बटन, समटाइम्स इट इज लाइकली दैट यू आर अनेबल टू ओपन ए वेबसाइट आर ए वेब पेज कंप्लीटली, यू क्लिक टू रिफ्रेश बटन स्टार्ट रीलोडिंग द पर्टिकुलर वेब पेज आर वेबसाइट। सपोज कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं बार बार उसमें एरर बता रहा है, सर्वर डाउन बता रहा है, तो आप क्या करेंगे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रीलोड बताता है, रीलोड बताएगा और फिर से वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जब तक कि आप रिफ्रेश करते चले जाएंगे तब तक वो उसे रीलोड करता चला जाएगा, यानी फिर से ओपन करने की कोशिश करेगा या उसके लिए स्पीड स्लो है तो और अच्छी करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है एड्रेस बार, द एड्रेस बार ऑफ वेबसाइट इज रिटन और टाइप इन द एड्रेस बार दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ एवरी वेब ब्राउजर, यहाँ ये हो रहा है। आप क्या करेंगे यहाँ पर जो भी वेबसाइट आपको टाइप करनी है, सपोज www.history.com आपको टाइप करनी है या फिर आपको जैसे कि डिस्कवरी आपको टाइप करनी है discovery.com टाइप करनी है तो discovery.com यहाँ पर टाइप कीजिए, उसके बाद इंटर की प्रेस कर दीजिए या सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए तो वो उसे सर्च करने लगता है, क्लियर, उस साइट को वो सर्च करता है। आप लोग मोस्टली यूज करते रहते हैं ये सारी चीजों को, इसलिए इसके इस टॉपिक में बहुत ज्यादा आप लोग जानते होंगे, आई थिंक कि आप बहुत ज्यादा जानते होंगे क्योंकि इस समय में ज्यादा से ज्यादा लोग कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज है बुकमार्क दिस पेज, इस तरह से ये स्टार की तरह बना हुआ होता है, इसे हम बोलते हैं बुकमार्क। इफ यू लाइक समथिंग इन ए बुक यू पुट ए मार्क इन, सिमिलरली सम टाइम यू फाइंड ए पर्टिकुलर वे इंटरेस्टिंग, आप एक वेब पेज किसी एक स्पेशल वेब पेज पे जाना चाहते हैं, यू कैन सेव द URL ऑफ द वेबसाइट एज ए बुकमार्क विद द हेल्प ऑफ बुकमार्क बटन। आप इस पे जाएंगे बुकमार्क पे, आप जिस पे भी जाना चाहेंगे वहां से जा सकते हैं, जो भी उसके अंदर URL सेव होगा आप उसी URL को ओपन करके आप उसमें भी वर्क कर सकते हैं, यानी जो भी करंट में आप URL यूज किए होंगे, वेबसाइट यूज किए होंगे वो उसमें सेफ रहता है, एक बुक की तरह वो उसमें राइट रहता है। नेक्स्ट है न्यू टर्म, विद द हेल्प ऑफ दिस बटन यू कैन ओपन डिफरेंट वेबसाइट एट द सेम टाइम, सपोज एक समय में आप न्यू टर्म यूज कर रहे हैं इसमें जाके आप दूसरी साइट भी ओपन कर सकते हैं, यानी एक समय में आप दोनों तीन तीन टैब का यूज कर सकते हैं, जब भी आप देखें दूसरे टैब को क्लिक करेंगे तीसरा इस तरह से बन के आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है गूगल कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम, दिस बटन इज प्रेजेंट एट द अपर राइट कॉर्नर, क्लिकिंग ऑन दिस डिस्प्ले ड्रॉप डाउन लिस्ट विद वेरियस ऑप्शन, यानी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं और फिर उसकी हम सेटिंग करना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहें हम उसमें से कर सकते हैं, जो उस ऑप्शन से रिलेटेड हमें यूज करना होता है। ओके, सो
दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड आई थिंक यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर चैप्टर 7 इज मोर ऑन इंटरनेट आपका था और आप इस चैप्टर में इंटरनेट के विषय में बहुत अच्छा समझ गए होंगे. नाउ चैप्टर पेज नंबर 70 एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड बी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट इन योर बुक.